हम तो भगवान पर जो भरोसा रखते हैं, भगवान उनका ख्याल हमेशा रखते हैं। एक बहुत सुंदर बात याद आ गई है। एक दक्षिण भारत में रहने वाला एक व्यक्ति बहुत पैसे वाला था, लेकिन बूढ़ा हो गया था। एक दिन उसके मन में विचार आया कि मैं ठाकुर जी के दर्शन करने के लिए वृंदावन में जाऊंगा। चार बेटे थे, चारों बेटों से कहा है कि बेटा मुझे वृंदावन लेकर के चलो। चारों ने मना कर दिया, हे पिताजी अगर मैं वृंदावन जाऊंगा तो यहाँ का काम धाम कौन देखेगा। अरे जब तक हम वृंदावन जाएंगे तब तक यहाँ तो बहुत काम सारा हमारा कौन करेगा, बहुत सारा काम पड़ा है। वह बूढ़ा व्यक्ति जो था परेशान हो गया। गांव का एक बहुत गरीब परिवार का एक नौजवान लड़का था। उस लड़के को अपने पास बुलाया और जवाब दिया है कि बेटा आप हमारे साथ क्या वृंदावन चल सकते हो। बेटा कहने लगा है कि बाबा मैं आपके साथ कैसे चल सकता हूँ, मेरे पास तो किराए के लिए पैसे भी नहीं है, मैं इतना गरीब हूँ। बूढ़ा इंसान बोला है कि आप चिंता मत करिए, किराए की चिंता मत करिए, किराया मैं आपका दूंगा, सिर्फ आप हमारे साथ चलिए क्योंकि मुझे बिहारी जी के दर्शन करने हैं। नौजवान लड़के ने कहा है कि हे बाबा अगर ये बात है तो हम आपके साथ चलेंगे। पैरों से चल नहीं पाता था, उस नौजवान लड़के ने अपनी पीठी पर उसे बिठा ला और बैठाने के बाद में जब आगे को चला जाकर के बस में बैठ गया। धीरे 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 जाकर के जब वृंदावन पहुंचा काफी दिन लग गए। वृंदावन जब बिहारी जी के मंदिर में पहुंचे, बिहारी जी के दर्शन किए, दर्शन करने के बाद में उसका मन इतना खिल उठा था कि वो उस लड़के से कहने लगा कि बेटा आज तुमने मुझे बिहारी जी के दर्शन करवा दिए तो हमारे घर में जो बेटी है उस बेटी का विवाह हम तेरे साथ करेंगे। लड़का कहने लगा है कि बाबा जी क्यों मजाक बना रहे हो, हम गरीबों की कहां शादी हो जाएगी। अरे तुम इतने पैसे वाले हो, किसी पैसे वाले लड़के को ढूंढना। बूढ़ा व्यक्ति कहने लगा है कि तू चिंता मत कर और हमारे घर में जो कन्या है उसका विवाह हम तेरे साथ करेंगे। बिहारी जी के सामने जब ये तरवाचा भरा वापस लौट करके आए, रास्ते में वो उस लड़के ने कहा है कि बाबा तुमने तो शादी तय कर दी लेकिन आपके लड़के इस बात को मंजूर नहीं देंगे। बूढ़ा व्यक्ति कहने लगा है कि तुम चिंता मत करो, मैं अपनी बेटी का विवाह तुम्हारे साथ करेंगे। घर जब पहुंचे हैं जाकर के लड़कों से कहा, लड़कों ने इनकार कर दिया। और जब लड़कों ने इनकार कर दिया तो पिता भी अपने लड़कों की बातों में ही आ गए, शादी के लिए मना करने लगे। लड़के ने गांव वालों को इकट्ठा किया और जब गांव वालों को इकट्ठा किया है तो गांव वालों ने कहा है कि इसका कोई साक्षी है क्या, तुम कह रहे हो कि इन्होंने कहा कि अपनी बेटी का विवाह तुम्हारे साथ करेंगे और ये कह रहे हैं कि मैंने इस बात को नहीं कहा, तो इस बात को कोई सुनने वाला था क्या। वो लड़का कहने लगा है कि हाँ इस बात को सुनने वाले हमारे ठाकुर जी थे। गांव वालों ने कहा तो फिर क्या ठाकुर जी तुम्हारी आ करके इस बात को यहाँ कहेंगे। लड़का कहने लगा है कि आप चिंता मत करिए मैं ठाकुर जी से मिलकर के आता हूँ। बेचारा पैदल ही पैदल भाग खड़ा हुआ, बहुत दिन में जाकर के वृंदावन पहुंचा। ठाकुर जी के सामने हाथ जोड़ करके एक बात कही है कि हे ठाकुर जी आप चलिए चल करके हमारी गवाही दीजिए, अगर आज आपने गवाही नहीं दी तो गांव के लोग मुझे झूठा साबित कर देंगे। बिहारी जी ने एक बात कही है कि हे बेटा चलने के लिए हम चल सकता हूँ लेकिन तू आगे आगे चलना,
मैं पीछे पीछे से आऊंगा, तू पीछे मुड़ करके मत देखना, अगर तूने पीछे मुड़ करके देख लिया तो मैं उसी जगह से वापस लौटाऊंगा। लड़के ने कहा है कि हे ठाकुर जी, अब हम ये कैसे जान पाएंगे कि आप हमारे पीछे पीछे आ रहे हो। जवाब दिया है कि हमारे पग में जो घुंघरू बंधे हैं, इन घुंघरुओं की आवाज को सुनते रहना और मैं तुम्हारे पीछे पीछे आऊंगा। वह लड़का जिस समय वृंदावन से दक्षिण भारत के लिए चला, पीछे पीछे ठाकुर जी जा रहे हैं। गांव के बाहर ही लड़के ने पीछे मुड़ करके देखा कि देख लू ठाकुर जी आ रहे हैं कि नहीं। जब पीछे मुड़ करके देखा है तो ठाकुर जी उसी जगह पर खड़े हो गए और बोले हैं कि अब मैं आगे नहीं जा सकता, क्योंकि मैं तो पहले ही कह चुका था। लड़के ने सब गांव वालों को उसी जगह पर बुलाया और जब उसी जगह पर बुलाया, गांव वालों ने कहा है कि बताइए ठाकुर जी, क्या तुम्हारे सामने गवाही इसने दी थी, क्या तुम्हारे सामने इस बात को इसने कहा था। ठाकुर जी कहने लगे हैं कि हे गांव वाले लोगों, हमारे सामने इस बूढ़े व्यक्ति ने कहा था कि हमारे घर में एक छोटी सी कन्या है, हमारी बेटी है, उस बेटी का विवाह तुम्हारे साथ करेंगे। ठाकुर जी ने जब गवाही दी, गांव वालों ने उस सेठ से कहा है कि सेठ जी, वैसे तो तुम सबकी रक्षा करने वाले हो, लेकिन आज अपनी बात से तुम पीछे हट रहे हो। देखिए, तुम्हारे पास धन दौलत सब कुछ है, लेकिन उसके पास भगवान की सच्ची भक्ति है, क्योंकि जिसके पास भगवान की सच्ची भक्ति हुआ करती है, भगवान उसे हर मोड़ पर खड़े मिलते हैं। भगवान कहते हैं कि तू हमारे लिए एक फूल भेजेगा, हम तुम्हारे लिए 10 फूल भेज देंगे। तू हमें प्यार से एक कौर खिलाएगा, हम तेरे लिए 10 कौर लेकर के आएंगे। और यहाँ तक है कि अगर तू हमें मानता है तो हम तेरी गवाही, ये तो गांव की बात रही, अगर कोर्ट कचहरी की बात हो जाए तो मैं वहां पर भी देने के लिए तैयार हूँ। इसलिए भाई बहनों, सभी से कहना है कि भगवान पर भरोसा रखिएगा, क्योंकि जब सब सहारे टूट जाते हैं तो केवल भगवान का सहारा मिलता है, और भगवान का सहारा जब मिलता है तो हमारा जीवन खिल उठता है। इसीलिए कहना है कि हम सभी को भगवान पर भरोसा रखना चाहिए।